हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे जीएसएम राकेश चैनल पर। तो फ्रेंड, आज के हार्डवेयर लेसन में हम जानेंगे कि प्राइमरी लाइन क्या होती है और सेकेंडरी लाइन क्या होती है, और सेकेंडरी लाइन में अगर शॉर्ट है, हाफ शॉर्ट है या फिर फुल शॉर्ट है, तो फोन में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर प्राइमरी लाइन और सेकेंडरी लाइन समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आजकल फ़ोन आ रहे हैं उनमें प्राइमरी लाइन और सेकेंडरी लाइन में अगर कुछ हाफ शॉर्ट या फिर कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसे फाइंड करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। तो यहाँ पर जो प्राइमरी लाइन है उसके बारे में बताऊँगा और सेकेंडरी लाइन क्या है उसके बारे में बताऊँगा। तो यहाँ पर पिछली वीडियो में हमने ये डायग्राम बनाया था, अब यहाँ पर मैंने डायग्राम दूसरा बना रखा है, और ये यहाँ पर दो मदरबोर्ड लिए हैं जो कि आपको विथ प्रैक्टिकल के आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर पहले डायग्राम दिखा देता हूँ जो मैंने कि एक छोटा सा डायग्राम बनाया है समझाने के लिए। तो ये डायग्राम बनाया है मैंने, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बैटरी कनेक्टर है जिस पर 3 पिन दे रखे हैं, और इस पर 3.7 वोल्ट जाता है। तो ये हो गया प्राइमरी लाइन, यानी कि जो बैटरी वोल्टेज कनेक्टर की एरिया से जो अंदर तक, जैसे कि डीसी टू डीसी आईसी है, फिर पावर आईसी तक जो वोल्टेज आते हैं उसे हम बोलते हैं प्राइमरी लाइन। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 3.7 वोल्ट दिया है, यानी कि बैटरी के वोल्टेज दिए हैं प्लस और नेगेटिव में, यानी कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब ये वोल्टेज जाते हैं डीसी टू डीसी आईसी पर, उसके बाद ये आउटपुट करता है पावर आईसी को, जो कि 3.7 वोल्ट ही देता है, डीसी टू डीसी कन्वर्ट करके देता है, और इसमें चार्जिंग आईसी का भी काम होता है। तो देख सकते हैं ये है प्राइमरी लाइन जो कि बैटरी कनेक्टर से जाती है डीसी टू डीसी आईसी को, और जो डीसी टू डीसी आईसी पावर आईसी को वोल्टेज देती है वो होती है सेकेंडरी लाइन। इसे हम सेकेंडरी लाइन बोलते हैं, इसे हम प्राइमरी लाइन बोलते हैं। अगर इस लाइन में कहीं पर भी शॉर्ट है, शॉर्ट सर्किट है, तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आती है, जैसे कि सेट ऑन ना होना, या फिर मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो यहाँ पर कोई भी शॉर्ट नहीं दिखाता है, बैटरी कनेक्टर पर यहाँ पर कोई भी शॉर्ट नहीं दिखाता है, बट सेट में शॉर्ट होता है और वो सेट ऑन नहीं होता है, या फिर रिस्टार्ट प्रॉब्लम में भी आते हैं बहुत सारे फोन, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। ज़्यादातर देखने के लिए यही मिलता है कि हाफ शॉर्ट हो या फिर फुल शॉर्ट हो सेकेंडरी लाइन में, तो वो सेट ऑन नहीं होता है। अगर प्राइमरी लाइन में सेट शॉर्ट है, हाफ शॉर्ट है, तो सेट ऑन होगा, फुल शॉर्ट है तो सेट ऑन नहीं होगा। तो ये प्राइमरी लाइन है उसमें तो आप आसानी से शॉर्ट निकाल सकते हैं, यहाँ पर शॉर्ट किलर की मदद से, या फिर रोजिन पेस्ट की मदद से, या फिर किसी भी तरीका से। बट यहाँ पर ये सेकेंडरी लाइन में अगर हाफ शॉर्ट है तो निकालना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा कैसे निकालती हैं। अब ये डायग्राम मैंने आपको समझा दिया, अब इसमें दो मदरबोर्ड लिए हैं, अब इसमें आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर ये है बैटरी कनेक्टर, देख सकते हैं ये बैटरी कनेक्टर है, इसमें एक माइनस है एक प्लस है। इसकी जो सप्लाई है वो डीसी टू डीसी आईसी को जाती है, देख सकते हैं ये है डीसी टू डीसी आईसी, ये चार्जिंग आईसी का भी काम करती है और वोल्टेज फिल्टर करने का भी काम करती है। तो ये बैटरी कनेक्टर के वोल्टेज इस पर जाते हैं, ये हमारे लिए पावर आईसी को वोल्टेज देता है। तो इसे हम प्राइमरी लाइन बोलेंगे, और ये आउटपुट देगा उसे हम सेकेंडरी लाइन बोलेंगे। उसी तरीका से इस ये एम आई का बोर्ड है, उसमें भी यही तरीका होता है। यहाँ पर बैटरी कनेक्टर है जो कि 3.7 वोल्ट दिया जाता है बैटरी के थ्रू, और ये प्राइमरी लाइन होगी, इससे जो वोल्टेज आते हैं डीसी टू डीसी आईसी को, इसको वो सेकेंडरी लाइन होगी, यानी कि जो आउट करेगा वोल्टेज को, आउटपुट देगा, वो सेकेंडरी लाइन होती है। तो यहाँ पर सेकेंडरी लाइन पर बहुत सारे कैपेसिटर लगे हुए होते हैं, वो शॉर्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से सेट ऑन नहीं होता है, यानी कि ये आईसी आउट नहीं करती है वोल्टेज। तो पूरे मदरबोर्ड में वोल्टेज जाना
बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर वोल्टेज नहीं जाएंगे सेकेंडरी लाइन में तो सेट ऑन नहीं होगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम आती है सेकेंडरी लाइन से, तो इस पर हम एक लेसन लेके आएंगे जो कि आगे मिल जाएगा किसी ना किसी दिन। उसमें हम बताएंगे कि सेकेंडरी लाइन में हाफ शॉर्ट या फिर फुल शॉर्ट कैसे निकालते हैं। प्राइमरी लाइन में शॉर्ट निकालना ज़्यादा हार्ड काम नहीं होता है, वैसे तो हम प्राइमरी लाइन में भी शॉर्ट निकालना भी बताएंगे वो कैसे निकालते हैं। तो आज की वीडियो में बस यही था कि प्राइमरी लाइन क्या है और सेकेंडरी लाइन क्या है। अगर आपके समझ में अब भी नहीं आया है तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं और विद प्रूफ के बना दूंगा। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड। वीडियो पसंद आई वीडियो कर देना लाइक, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।